Hello everyone, so in this video we are going to learn the introduction part of 1.2 exercise of NCERT class 9th. So let's start with irrational number. Irrational number we already discussed in our previous classes. So irrational number is non-terminating. नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं. ओके, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5. लेकिन अंडर रूट 4 जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जो कि होता है 2. ओके, सो जैसे इसको अपन डोनेट करते हैं अंडर रूट एम. ओके, जहाँ पे अंडर रूट एम जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, एंड और जो एम होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, या तो बोलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, या फिर कह लीजिए कि परफेक्ट क्यूब नहीं होता, कुछ भी है. ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब होता है. ओके, एंड परफेक्ट क्यूब. सो अब हम देखेंगे कि हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन में हम कैसे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नंबर लाइन. ओके, सो जैसे एक इरेशनल नंबर लेते हैं अंडर रूट 2. इसको अपन देखेंगे अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में. तो इसको करने से पहले अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अंडर रूट टू को इसकी वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हुई, 2. ठीक है, तो इसका n माइनस 1 निकालेंगे. अगर n माइनस 1 निकाल लेंगे इसका, तो ये बहुत सिंपल मेथड हो जाएगी. अब इसका n माइनस वन कितना होगा, n की वैल्यू कितनी है, 2. ठीक है, तो 2 माइनस 1 ये कितना हो गया, अंडर रूट 1, जो कि होता है अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे कि 1 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन से. ओके, यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 1. जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये 0 है ये 1 है, तो डिस्टेंस इनकी 1 ही होगी, तो ये अपनी बेस की डिस्टेंस आ गई 1. ओके, अब यहाँ इस पॉइंट पे अपन एक परपेंडिकुलर बनाएंगे. परपेंडिकुलर बनाते तो आपसे बनता होगा, तो ये परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ से. और परपेंडिकुलर जो बनाएंगे उसकी डिस्टेंस लेंगे जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस का एक लाइन खींचेंगे. ठीक है, तो ये भी 1 ही हो गया. अब अपने पास बेस निकल आया है, परपेंडिकुलर आ गया, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी हाइपोटेनस. ओके, अब अपन जानते हैं ये निकालना कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके, तो अपन देखेंगे अपने पास हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू नहीं है. ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1, तो ये 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1. यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2. ओके, तो यहाँ पे जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 2. ओके, बट ये देखिए गौर से, ये जो हाइपोटेनस है एक ही लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस को पॉजिटिव अंडर रूट 2 लेंगे. अब पॉजिटिव अंडर रूट 2 लिखो या फिर अंडर रूट 2 लिखो, बात एक ही है. तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2. ओके, क्या करेंगे, 0 को सेंटर मानते हुए, और ये अपनी रेडियस है, और रेडियस कितना आई है, अंडर रूट 2 आ गई है. ठीक है, अपनी वैल्यू ऑलरेडी अंडर रूट 2 आ गई है. अब ये इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे आर्क रखेंगे,
और यहाँ पे पेंसिल, इसकी डिस्टेंस नापेंगे। इसकी डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे एक आर्क मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये अंडर रूट टू आ गया, ठीक है। तो ये अपना अंडर रूट टू जो है लोकेट हो गया, ठीक है, नंबर लाइन पे। ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे जीरो, यहाँ हो गया वन, ये वन, सॉरी ये वन होगा, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट टू यहाँ पे कहीं आया था, ठीक है। ओके, ऐसे अपन निकाले थे पहली वीडियो में। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे, जहाँ पे अंडर रूट टू वैल्यू आई थी वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ है वो रखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, थोड़ी बड़ी बननी कोई बात नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर लाइन बना देंगे 1 सेंटीमीटर की। ओके, उसके बाद एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे ओ ए, ये बी, ये डिस्टेंस आप अंडर रूट टू, ये जीरो से बी तक की, ठीक है, ये कितनी है अंडर रूट टू। अब ये ओ ए की वैल्यू अपने पास नहीं है, हाइपोटेनस अपने पास नहीं है, और इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा भाई, पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से अपन निकालेंगे। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस अपने पास नहीं है तो ऐसे लिखे रहने देंगे एज इट इज, और बेस परपेंडिकुलर अपने पास दिए वन, ये वन का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है अंडर रूट टू। ओके, अंडर रूट टू का स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर वन ही होगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा टू। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा। अब ये हाइपोटेनस इक्वल्स टू रहेगी अंडर रूट थ्री प्लस माइनस, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ओ ए जो है एक लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव पे नहीं होती, तो ये आएगा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव अंडर रूट थ्री। ओके, क्लियर। पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये रेडियस है ही। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की पेन रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, इसकी डिस्टेंस जो रेडियस की डिस्टेंस है उसको लेंगे और यहाँ पे एक आर्क मार देंगे। ये जो आर्क मिलेगा अपन को ये मिल जाएगा अंडर रूट थ्री का, ठीक है। तो ये अपन लोग लोकेट करना सीख गए अंडर रूट थ्री नंबर लाइन पे। ओके,